अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेफ़ इंदा किचन में मैं शगुफ्ता आज लेकर आई हूँ सुफियानी बिरयानी की रेसिपी, जिसे वाइट बिरयानी भी कहते हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत मज़ेदार है, तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 kg बासमती राइस लिया, जिसे मैं धोकर भिगोती हूँ, 1 kg मटन, 250 ml ऑयल, 250 ग्राम दही, 1 लेमन का जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने 20 से 25 काजू का पेस्ट बना लिया है, हरी मिर्च का पेस्ट, आधी कटोरी धनिया की पत्ती, 1 कटोरी पुदीने की पत्ती, ये सारे साबुत मसाले ले लिए हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, जावित्री, बड़ी इलायची और 3 प्याज, जिसे मैं बारीक काट लूँगी। मैंने मटन ले लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी सॉल्ट, लेमन का जूस, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, आप तीखा ज़्यादा पसंद करते तो आप ज़्यादा डाल लें, जिंजर गार्लिक पेस्ट 4 टेबल स्पून, दही, मैंने पूरे दही इसमें डाल दिया है, धनिया की पत्ती, पुदीने के पत्ते, अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लें और अगर आप इसे चाहें तो 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं, और अगर इसे आपको फ़ौरन बनाना है तो आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसे मिक्स अच्छे से कर लेना है। ये मिक्स हो गया है, अब मैं इसे ढककर साइड में रख देती हूँ और अब हम प्याज काट लेते हैं। सारे प्याज को हमें बारीक बारीक काट लेना है। मटन को हम कुकर में बनाएंगे, इसलिए सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल, 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला डालूँगी, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी कबाब चीनी, 2 छोटी इलायची, अब इसमें डाल देते हैं सारे प्याज। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें सारे मटन को डाल देंगे। मटन को हमें कुकर में ही पहले अच्छे से गला लेना है। अब हम इसे बंद करके 5 से 6 सीटी आने तक इसे पकाएंगे, ताकि हमारी जो मटन है वो अच्छे से गल जाए। अब हम पतीले में पानी चढ़ा देते हैं ताकि हम उसमें चावल को पका लें। सबसे पहले इसमें सॉल्ट डाल देंगे, फिर साबुत गरम मसाले, 2 बड़ी इलायची, 4-5 तेज़पत्ते, 1 टुकड़े दालचीनी, थोड़ी सी जावित्री, 4 छोटी इलायची, 4 शाही ज़ीरा और थोड़े से ऑयल, जिससे हमारे दाने जो होते हैं चावल के वो काफ़ी खिले खिले रहते हैं। अब हम इसे ढककर पानी में उबाल आने तक इसे छोड़ देते हैं। पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें सारे चावल को डाल देंगे। अब हम मटन खोलकर चेक कर लेते हैं कि ये गला है कि नहीं। ये देखिए इसकी कलर कितनी अच्छी आई है, बहुत परफेक्ट दिख रहा है। अब हम इसे फॉक से चेक कर लेते हैं। ये गल चुका है। अब हम इसके ऊपर की जो ऑयल है उसे निकाल लेंगे। इस ऑयल को अब हम साइड में रख देते हैं। अब मैं इसमें जो काजू का पेस्ट बना के रखी थी उसे मैं इसमें डाल देती हूँ। साथ में मैंने साबुत हरी मिर्च भी डाल दी है। अब हमारा मटन जो रेडी हो गया है, चावल भी हमारा ऑलमोस्ट पक गया है। ये देखिए चावल पक गया है,
चावल को हमें 60-70% ही पकाना है, बाकी चावल तो दम में पक जाएंगे। अब हम इसे ड्रेन कर लेते हैं। ये चावल मैंने ड्रेन कर लिया है। अब मैं उसी पतीले में पहले नीचे ऑयल डाल देती हूँ ताकि जो चावल है वो नीचे चिपक ना जाए। अब हम इसमें लेयर बनाएंगे, तो पहले हम चावल डालेंगे। इसके ऊपर मटन की एक लेयर लगाएंगे। फिर हम इसके ऊपर चावल डाल देंगे। अब इसके ऊपर वो जो हमने ऊपर का ऑयल निकाल के रखा था मटन का, उसे डाल देंगे। और मैंने आधी कप दूध ली है जिसे हम थोड़े थोड़े डालेंगे। फिर मैं मटन डालूंगी इसके ऊपर। इस तरीके से हमें 2-3 लेयर बना लेनी है। सारे मटन मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर सारे चावल जो हमारे हैं वो मैं डाल दूंगी। ये सारे चावल डाल दिए हैं। अब जो हमारी बची हुई ऑयल थी उसे डाल दूंगी पूरी, और जो दूध हमारे पास बच गया था उसे भी हम पूरे इसमें डाल देंगे। बिरयानी हमारा रेडी है। अब हम इसे दम में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे पैक कर लेंगे। मैं इसे गीले आटे से पैक कर रही हूँ। इस तरीके से गीले आटे को चारों तरफ से लगा देने से इसकी एयर बाहर नहीं निकलेगी और चावल और जो हमारा मटन है वो दम में अच्छे से पक जाएगा। सबसे पहले हम इसे 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर हेवी बॉटम तवे पे चढ़ा देंगे। बिरयानी रेडी हो गई है। ये देखिए इसके दाने कितने खिले खिले हैं। अब इसे ऊपर नीचे करके इस तरीके से मिला लेंगे। और अब मैं इसे सर्विंग प्लेट पर निकाल देती हूँ। बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह खाने में बहुत मज़ेदार होती है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे चैनल की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। टेक केयर।